भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है और पहला मैच आज शाम 7 बजे से मोहाली में खेला जाएगा। आज भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 होगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत के बल्लेबाज रन मशीन विराट कोहली इस मैच में उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि किसी पर्सनल रीजन के कारण विराट कोहली मैच में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन आने वाले दोनों मैचों में विराट कोहली की मौजूदगी रहेगी। वो अगले दोनों मैचों में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे क्योंकि ओपनिंग में विराट कोहली का स्ट्राइक रेट बेहतरीन रहा है। जिस तरह से वो ओपनिंग में बल्लेबाजी करते हैं वो मिडिल ऑर्डर में उस अंदाज में बल्लेबाजी नहीं करते हैं, तो इसीलिए विराट कोहली अगले दोनों मैचों में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। यही नहीं, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी रोहित और विराट कोहली ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो जो प्लेइंग 11 होने वाले है इस मैच की वो इस प्रकार है। 14 महीने बाद रोहित शर्मा T20 में वापसी कर रहे हैं और उनके साथ ओपनिंग करेंगे विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, यानी कि पहले नंबर पर रोहित शर्मा, दूसरे पर यशस्वी जायसवाल, तीसरे नंबर पर वहीं आपको देखने को मिलेंगे शुभमन गिल और चौथे नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे तिलक वर्मा। वहीं 5वें नंबर पर खेलेंगे फिनिशर रिंकू सिंह और 6वें नंबर पर संजू सैमसन। वहीं 7वें नंबर पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलेंगे। वहीं 8वें नंबर पर आपको भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह नजर आएंगे। वहीं 9वें नंबर पर रवि बिश्नोई और 10वें नंबर पर आवेश खान और 11वें नंबर पर मुकेश कुमार आपको देखने को मिलेंगे। तो ये होगी आज की प्लेइंग 11। इन 11 खिलाड़ियों को आज के T20 में मौका दिया जाएगा। तो ये प्लेइंग 11 है, लेकिन अगले मैच में जैसे ही विराट कोहली आएंगे तो अगले दोनों मैचों में अगर यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल दोनों में से फ्लॉप होता है तो उसकी जगह पर फिर विराट कोहली उसकी जगह ले लेंगे नेक्स्ट मैच में। तो आपको क्या लगता है कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली और रोहित को ही ओपनिंग करनी चाहिए या फिर किसी और बल्लेबाज को ओपनिंग करनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।